पहले भी मैं आपको मेंशन कर चुका था इस चीज को कि आप ग्रुप में अपने नंबर ऑफ डाउट जो भी हो आप भेज सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन भेजा है, लैंडन ऑफ दिस सर्सो डेलन मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन दिस एक्सपोज टू द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा। ठीक है इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले शीट वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शीट वाले क्वेश्चन में एक्सरसाइज वन में 40, 60, 73, 93, 95, 90, 99, 100 और 101। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 40 और 60। हाँ जी बेटा बताओ 40 में क्या डाउट है, किसका डाउट था ये? सर आप लेवल लेवल वन की, सर आप लेवल वन की बात कर रहे थे या फिर सर मतलब की उसकी मेंस की? लेवल वन की बात कर रहा हूँ, लेवल वन में क्वेश्चन है, नाम लिखा हुआ है लास्ट का नंबर है 9869, नाम लिखा हुआ रेखा शर्मा। यस सर मेरा डाउट है सर। हाँ जी बेटा चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या डाउट है आपका? सर मतलब ये समझ में नहीं आ रहा सर कि रिलेशन कैसे बिठाऊं सर मैं इनमें। जिसमें कहा हुआ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n+1 स्टेट टू nth स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन विल बी रिलेटेड टू अकॉर्डिंग टू इफ n इज ग्रेटर देन 1। अच्छा ठीक है ओके, इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वाली चीजें लगती हैं, बताता हूँ आपको। चलिए बेटा अभी म्यूट कर लीजिए, मैं आपको दोबारा जब बोलूंगा तब अनम्यूट कर देना। देखिए आपसे क्या कहा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहां से करता है n+1 टू nth स्टेट, यानी हमने क्या पढ़ा है 1/λ RZ square 1/N1 square - 1/N2 square, that is RZ square 1/N square minus 1/N+1 का whole square, that is RZ square का solve करोगे तो कितना आएगा n square plus 1 plus 2n minus of n square divided by n square into n plus 1 का whole square, n square से n square कट गया, यानी RZ square 2n+1 / n² × n+1 का होल स्क्वायर। अब आपसे यहाँ रिलेशन के लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक टर्म देखो लिखा हुआ है n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है n की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है यानी 2n+1 अप्रोक्सीमेट किसके बराबर लिख सकते हो 2n के, ठीक है। और एक और वैल्यू आपकी n+1, इस n+1 की वैल्यू आप किसके बराबर लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट n के बराबर, ठीक है। अब रिप्लेस कर दो, दैट इज RZ² 2n/n² × n², ठीक है। अब एक n से दूसरा n उड़ा दिया यानी RZ² × 2 / n³ आ गया, 1/λ की वैल्यू आपकी आ गई। आपसे पूछा क्या हुआ था फ्रीक्वेंसी T/λ के बराबर होता है, ठीक है। आपसे फ्रीक्वेंसी की टर्म पूछी है, ये किसके बराबर होता है T/λ के बराबर होता है, ठीक। तो 1/λ किसके बराबर है 2RZ² / n³, यानी न्यू की वैल्यू किसके बराबर आएगी 2RCZ² / n³। हाँ जी बेटा बोलो। ओके सर थैंक यू सर, ठीक है। चलिए बेटा अब आप दोबारा से अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 60। हाँ जी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो सर। हाँ जी बेटा बोलो।
51 में तो था डाउट सर, दो बच्चों का था सर, बैच 2 से सर 51। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं एक बच्चे के ले लेता हूँ, उसके बाद और भी लूंगा, सेलेक्ट करूंगा। ठीक है तो आप पूछ लेना। अभी सिर्फ एक बच्चे ने जो भेजा है 40, 60, 73, 93, मैं इसका सीरियल ऑर्डर से डिस्कस कर देता हूँ। इसमें रिलेटेड अगर डाउट हुआ तो आप उसी वक्त तुरंत पूछ लेना। ठीक है। अच्छा 2n प्लस को 2n के बराबर क्यों लिया बेटा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है ना, जैसे मान लो आपसे क्या कह रहा है, n की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है। ठीक, तो मान लो n की वैल्यू आपकी 400 के बराबर n की वैल्यू है, इसको 2 टाइम्स करोगे कितना होगा, 800 के बराबर। अब इससे 1 ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेट 800 के बराबर ही तो लिखोगे ना। ठीक है, इससे 2n प्लस 1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2n के बराबर की है। चलिए अब बेटा क्वेश्चन नंबर 60 बोलिए, क्या डाउट है सर? ये 60 वाले में सर मैंने वही लगाई थी सर, क्या लैम्डा ए इक्वल टू 2m? हाँ सर, वो एनर्जी वाली इक्वेशन सर। नहीं है आपसे सर, लेकिन सर आंसर सर गलत आ रहा था सर, मेरा सर 4 आ रहा था, आंसर में 4.5 दिया है सर। साइन अच्छा रुकिए मैं करते हैं। सर जी, सर से कोई शॉर्ट ट्रिक बताइएगा, क्योंकि सर मेरे सर 5 पेज में आया है, और सर जो मतलब कि जो भी बच्चा था उसका सर आंसर ए सही है, एक सही आंसर, और सर उसके मतलब दो आंसर, मतलब इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे सर, उसका एक तो सही आ रहा है, एक और निकाल सकता है, मतलब आगे एक सही आ रहा है उसका आंसर, दो आंसर निकालने सर इसमें। चलिए ठीक है, देखा सॉल्व करते हैं। आपसे कहा हुआ वर्क फंक्शन WA फॉर अ फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ A इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड B इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द फोटोन ऑफ एनर्जी ई ए स्ट्राइक विद अ सरफेस ऑफ ए इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन हैव मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ए, एंड फोटोन ऑफ एनर्जी ई बी स्ट्राइक विद द सरफेस ऑफ बी इजेक्टेड फोटो हैज मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा बी। ई बी और लैम्डा बी की इक्वेशन दे रखी है, वी वी बी रिस्पेक्टिवली पोटेंशियल आपसे पूछा हुआ है। चलो देखते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन क्या होती है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2ME into kinetic energy, बताइए। ठीक है तो चलिए, जो पहला हमने लाइट एमिट किया है, मतलब जो लाइट इसके ऊपर गिराया है, उसके लिए वर्क फंक्शन कितना है? WA के बराबर है। WA की वैल्यू किसके बराबर है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? जितना हमने इस पर एनर्जी दिया है माइनस जितना आपका वर्क फंक्शन है, यानी लैम्डा ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी? एच डिवाइडेड बाय 2 एम ई ए माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब लैम्डा बी के लिए देखते हैं, सेम फॉर्मूला आप लैम्डा बी के लिए लगाओ, एच अपॉन 2 एम काइनेटिक एनर्जी। दूसरे वाले की चाहिए तो दूसरे वाले के लिए भी कुछ दिया है आपका, वर्क फंक्शन कितना दिया है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी? EB माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 2 एम ई बी माइनस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको एक और रिलेशन गिवन है, रिलेशन क्या दिया है आपको? लैम्डा ईबी में रिलेशन दिया है, ईबी की वैल्यू आपकी किसके बराबर है? ई ए प्लस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, और दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है? लैम्डा बी इक्वल टू 2 लैम्डा ए गिवन है। ठीक, तो बी वाले को रिप्लेस कर दो, इसे कर दो, 2 लैम्डा ए इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 एम ई ए प्लस 0.5 फुट करो, यहाँ पे ई ए माइनस 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये रही आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये रही आपकी इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, तो क्या आ रहा है 1/2, ऊपर में क्या क्या है, एच अपॉन रूट ऑफ 2 एम ई ए माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एच अपॉन रूट ऑफ 2 एम ई ए माइनस
3.5 इलेक्ट्रॉन। एच से एच उड़ा दिया, 2m से 2m उड़ा दिया, इसको रूट को उल्टा करके ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा, ea माइनस 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंडर रूट डिवाइडेड बाई ea माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व करो, यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसको स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं। जी क्या क्या किया, ए प्लस 0.5 पुट करोगे तो प्लस 0.5 माइनस 4 करोगे तो माइनस 3.5 आएगा ना, चलिए जी नोट कर लिया सबने, आगे चले। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा, 1/4 इज इक्वल टू ई माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई ई ए माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ई ए माइनस 2 इज इक्वल टू 4 ई ए माइनस 14। इसको इधर लेकर के आओ तो कितना आएगा, 12 और 4 में से इधर गया 3 ई ए, तो ई ए की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 4.5 दे रहा है ना, आई थिंक नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, ये की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, अब यहां से ईबी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ईबी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ईए प्लस 0.5 यानी EB की वैल्यू किसके बराबर है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो मैंने क्या बताया था कि जितना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल है, आप डेरिवेशन देख रहे हो उसमें लिखा होगा मैंने कि काइनेटिक एनर्जी जितना मैक्सिमम पॉसिबल होता है वो वैल्यू E इंटू वी नॉट के बराबर होती है। वी नॉट मैंने क्या लिया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया था, ठीक है। इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल है ई ए माइनस वर्क फंक्शन, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन कितना है, 2 के बराबर, यानी कितनी मैक्सिमम हुई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, इज इक्वल टू चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ई के बराबर, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वी के लिए वी ए मान लिया, तो वी ए की वैल्यू किसके बराबर है, 2 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। ईबी की अगर बात करते हैं तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आएगा,
4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार ही दिया ना वो फंक्शन आपको, हाँ दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके बराबर होना चाहिए, क्यू इंटू वी नॉट के, यानी ई इंटू जो बी के लिए स्टॉपिंग पॉइंट, ई से ई उड़ गया, बी बी की वैल्यू क्या है 0.5। हेलो सर। हाँ जी सर, मतलब चारों से सही है? चारों कैसे सही है? सेकंड वाला ऑप्शन में बेटा, सेकंड वाले ऑप्शन में ई ए इक्वल टू 4.5 लिखा हुआ है। अच्छा ई ए लिखा, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 के बाद पूछा है। क्वेश्चन नंबर 73, हाँ जी बेटा बोलो, 73 में क्या डाउट है? Select the correct statement of the following. अच्छा, आपको स्टेटमेंट सेलेक्ट सही सेलेक्ट करना है। Splitting of spectral line occurs when placed in magnetic field or electric field. ये पॉइंट आपको क्लास में लिखाया है बोर वाले मॉडल में। जब बोर मॉडल का मैं ड्रॉबैक लिखवा रहा था फेलियर, तो मैंने स्टार्क और ज़ीमेन इफेक्ट आपको लिखाया था ना लास्ट में, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्प्लिटिंग होती है। दूसरा, इन केस ऑफ 1s ऑर्बिटल द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोज इज ग्रेटर नियर द न्यूक्लियस एंड फॉल्स ऑफ विद द डिस्टेंस। ये पॉइंट आप याद रखना कि 1s में डेंसिटी, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, न्यूक्लियस के पास होती है। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस होता है, ऐसे होता है। अगर ये आपका हाइपोथेटिकल सर्कल है जिसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इसके न्यूक्लियस के आस पास। और जैसे जैसे आप दूर दूर जाएंगे ये डेंसिटी की वैल्यू धीरे धीरे करके कम होती जाती है। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंसिडर्ड अलोंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन इन केस ऑफ 2p ऑर्बिटल। हाँ जी, 2p ऑर्बिटल में डायरेक्शनल लोब होता है। ठीक है, आपका x एक्सिस के अलोंग होता है, y एक्सिस के अलोंग होता है, z एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, तो उसमें एक पर्टिकुलर एक्सिस डिफाइन होती है, तो ये पॉइंट आपका सही है। आपका लिखा है नेक्स्ट, ए पी ऑर्बिटल कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ऐसे नहीं होता, पी का एक ऑर्बिटल, ठीक है, तो वो या तो पी एक्स की बात कर रहा है, या तो पी वाई की बात कर रहा है, या तो पी जेड की बात कर रहा है। ठीक है, टोटल 2p अगर बात करेगा, 3p बात करेगा, 4p बात करेगा, तब 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन सिंगल पी ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि बेटा ऑर्बिटल सिर्फ एक ब्लॉक को कहते हैं। मतलब आपका जो ये तीन ब्लॉक है ना, इसमें सिर्फ एक ब्लॉक आपका पी ऑर्बिटल है। ये पी एक्स भी ले लो, पी वाई ले लो, पी जेड ले लो, कुछ भी ले लो, अगर किसी सिंगल ऑर्बिटल की बात कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक ब्लॉक की बात कर रहा है। ठीक है, 73 आई थिंक अब क्लियर होगा। उसके बाद फिर 93, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइसोलेटेड Fe+2 आयन। बेटा ये मैंने नहीं लिखा है क्या आप लोग को? नो सर। अच्छा नहीं लिखवाया, चलिए लिखिएगा। होता क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, बेसिकली जितने नंबर ऑफ आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉर्मूला लिख लेना मैग्नेटिक मोमेंट का, जितने टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं अंडर रूट ऑफ n(n+2) होते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी यूनिट होती है बीएम, बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब Fe+2 की अगर बात करें, Fe+2 में आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 Fe का क्या होता है 3d6 4s2, Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है 3d6 आता है। 3d6 d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 और 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। n की वैल्यू किसके बराबर आई, 4 के बराबर,
दैट इज रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2 6, तो 4 दो 6 चौके 24, रूट ऑफ 24 बी एम आपका आंसर होगा। है क्या ऐसे कोई ऑप्शन में? हाँ है, ऑल ऑफ, हाँ ठीक है। के बाद 95-98 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल इज 3D8 4S2। बेटा ये हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला एक होता है कि अगर स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अगर गेन करता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड बन करके, तो वो रूल को थोड़ा ब्रेक कर देता है। ये आपके दो एग्जांपल आपके जनरली मिलेंगे 3D सीरीज में। एक आपका क्रोमियम मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, तो जब फिलिंग करोगे तो 3D5 4S1 आता है। ये D5 की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है हाफ फील्ड होने की वजह से, ठीक है। इस वजह से ये 3D4 4S2 की जगह इस कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर करता है, ठीक है। ये D ऑर्बिटल में आपका आएगा तो थोड़ा वहाँ डिटेल्स का भी पढ़ना। अभी बस इतना समझो कि हाफ फील्ड होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलाईज होता है, इसी वजह से क्रोमियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 3D5 4S1 में। कॉपर के साथ क्या है, 29 एटॉमिक नंबर है, अगर आप नियम से भरोगे तो 3D9 4S2 होता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन या फिर कहो डी ऑर्बिटल फुलफिल दिखाने के लिए ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और 3D10 4S1 कॉन्फ़िगरेशन। तो 3D सीरीज में ये दो एक्सेप्शन है, दोनों को याद रखना। 4D वाले यहाँ याद रखना होगा तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी ब्लॉक में बताए जाएंगे, वहां याद रखना। अभी बस ये दो सफिशियंट है। देन 98, अब तो शायद 98 हो जाएगा। एक चीज देखना बेटा, जब भी आपको इस टाइप से देगा ना 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, इस टाइप से अगर वैल्यू देता है 2.83, तो एक चीज आप समझ जाना कि आप ऐसे ये फंक्शन पढ़ा है आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक ये वाला फंक्शन, ऐसा कुछ नाम सुना है? यस सर, यस सर, ठीक है। तो आप एक काम करना, जैसे मान लो आप 2.883 बोर मैग्नेट्रॉन आपको वैल्यू दे रखी है ना, तो आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेना हमेशा। आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा दो अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो किसमें आ रहे हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, एन इंटू एन प्लस टू का रूट इज इक्वल टू 2.83, आपका कौन मोल लेगा, ठीक है। आप सिंपली यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो आपका यहाँ पे सबसे अच्छा इंटीजर होगा तो वो आपके एन की वैल्यू सीधा 2 के बराबर आएगी। पुट करके देख लो, दो के यहाँ पे 2 पुट करो, 2 + 2 + 2 = 4 × 2 = 8, 8 का मतलब क्या हुआ 3 के स्क्वायर से थोड़ा कम, यानी 2.83, ठीक है। तो ये आप फिर क्या दसना, अगर 1.732 देता है तो आपके पास कितना होगा, 1 होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। 3 कुछ समथिंग दे दे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 के अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 3 होंगे, ठीक है। अब आप निकाल लोगे, आपसे क्या कहा हुआ है कि आप चेक करना है किसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अब आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलिए 98 के बाद है 100 और 101। अब तो बेटा आपसे ये हो जाएगा, आपसे एक मैं दीवार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। कंपाउंड वेनेडियम हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बीएम, द वेनेडियम आयन इज कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ Vx+2, क्या सवाल दे दिया। एक वेनेडियम है जिसका आपको दे रखा है म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.73 बीएम, ठीक है। द वेनेडियम आयन इन द कंपाउंड इज प्रेजेंट and as Vx plus, then the value of x is, charge of the solar, कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3D3 4S2, 3 अनपेयर्ड होने चाहिए, अगर पॉजिटिव दिया तो 2 अनपेयर्ड हैं, ठीक है। चलिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है,
आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा 1.73। ठीक है, सब लोग घर पे अभी कॉपी किताब की दुकान खोल रही होगी, पीरियडिक टेबल ला करके चिपका लेना, ऐसे बड़ा सा मिलता है, ठीक है, ऐसे दीवार पे लाके चिपका लेना, खाना खाते वक्त, सुबह ब्रश करते वक्त, नहाते धोते वक्त, बाथरूम में भी चिपका लोगे तब भी चलेगा, शीशे की जगह उसको लगा लेना, काम आएगा वो। ठीक है, शीशा नहीं काम आएगा लेकिन वो जरूर काम आएगा। चलिए, आपसे क्या कहा हुआ है कि आपको बीएम के मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू गिवन है, यानी म्यू की वैल्यू गिवन है कितनी, 1.73 के रख, तो 1.73 यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए आपके पास, इज इक्वल टू 1। वेनेडियम क्या होता है आपका, कॉन्फ़िगरेशन इसका आता है 3d3 4s2। ठीक, इससे तो कोई मतलब नहीं, ये पेयर्ड है, 3d3 है तो 3 है, इसका मतलब एक हीरा, दो हीरा, तीसरा हीरा, चौथा और पांचवा डब्बा खाली है। स्कैंडियम सवाल कुछ गलत है, दो दो चार, ये तभी आ सकता है आपका 1 unpaired इलेक्ट्रॉन जब आपके प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज 4+ के बराबर हो, यानी वेनेडियम का आंसर 4 पॉजिटिव होना चाहिए, तब आपका 1.73 बीएम आएगा, क्योंकि जब आप वेनेडियम प्लस करोगे तो होगा 3d3 4s1, वेनेडियम प्लस 2 करोगे तो होगा 3d3 4s0, जब आपका वेनेडियम प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा 3d2 आएगा, वेनेडियम प्लस 4 करोगे तब 3d1 आता है। ठीक है, तो आप एक काम करो, जो आपको 1.73 दे रखा है ना, उस वैल्यू को 3.87 कर लो, ठीक है, आंसर मत बदलो, जो आपको वैल्यू 1.73 गिवन है उसको 3.87 कर लो क्वेश्चन में, ठीक है, आपको आंसर नहीं बदलना पड़ेगा और सही हो जाएगा। 3.87 करने का मतलब क्या हुआ, आपके पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अगर मैं इसको 3.87 कर लेता हूँ तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 3, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 किससे पॉसिबल है, वेनेडियम प्लस 2 में, अब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 हो गया, अब 101 आई थिंक आप कैलकुलेट कर लोगे, Fe+3 का आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सर 51 नहीं बताया क्या बेटा, क्या बेटा दोबारा बोलो, 51 वाला सर आप बोल रहे थे, 61 वाला, ये मैं 61 वाला, मैंने 101 वाला बोला, 101, ये आप कर लो क्या, देखो आपको आयरन दे रखा है 3d6 4s2, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम डील करेंगे तो लास्ट से दो ऑर्बिटल डील करेंगे, ठीक है, जिसमें जो आपका आउटर ऑर्बिटल रहता है, Fe की अगर बात करेंगे किसमें आएगा 3d6 4s2, Fe+2 की बात करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, ये आउटर सेल है वहां से पहले जाएंगे, तो यानी क्या है 3d6 है, प्लस 2 है नहीं, प्लस 3 है, जो रोमन रोमन नंबर में लिखा ना बेटा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो आपको अगर ऐसे लिखा हुआ मिला है Fe फिर रोमन नंबर में 3, इसका मतलब ये आपका Fe+3 लिखा हुआ, ठीक है, ये जो ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है ये उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो आप दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, 3d5 हो गया, ठीक, अब इलेक्ट्रॉन आप 5 इलेक्ट्रॉन 5 के 5 अनपेयर्ड, क्योंकि डी में अगर आप भरोगे तब अकेले अकेले आएंगे, तो यानी म्यू की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो √5 × 5+2 यानी √35, ये किसके लिए हो गया, Fe के लिए हो गया, फिर किसके लिए कहा, कोबाल्ट के लिए, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो 27 का मतलब 3d7 4s2,
ठीक, कोबॉल्ट बेटा किसमें का, प्लस टू या प्लस थ्री में? प्लस टू में। तो कोबॉल्ट प्लस टू अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, थ्री डी सेवन फोर एस जीरो, उसको हटाई दो, सात इलेक्ट्रॉन फिल करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, कितने पेड इलेक्ट्रॉन है, तीन, यानी इसका म्यू आप कैलकुलेट करोगे, तीन इंटू तीन प्लस दो यानी रूट ऑफ फिफ्टीन, दोनों का रेशियो निकालो, रूट थर्टी फाइव डिवाइड बाई रूट ऑफ फिफ्टीन, आपका आंसर हो गया। सर जी, सर इन सबके सर एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे? हाँ बेटा याद करने पड़ेंगे बिल्कुल। सर कोई ट्रिक वगैरह नहीं है सर? मिल जाएंगे आपको, गूगल पे सर्च मारना, दुनिया भर के निमोनिक्स मिल जाएंगे आपको, गाने के साथ मिल जाएंगे, सबके साथ मिल जाएंगे, जो अच्छा लगेगा वो याद कर लेना, मैं बताऊंगा तो सिर्फ एक होगा। अरे नहीं नहीं ट्वेंटी तक तो आप सीरियल ऑर्डर से याद कर लो, बाकी आप ट्वेंटी तो सर अभी भी याद है, उसके आगे बताइए। उसके आगे का बेटा आपको निमोनिक्स की तरह याद करना पड़ेगा, गाने उन्हें बना बना के याद करने के लिए आप सर्च करना गूगल पे दुनिया भर। नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ कितने नंबर तक याद करने हैं, 18 तक या फिर मतलब टॉप 50 टॉप 70 ऐसे? सबसे नीचे वाला 7th पीरियड आप छोड़ देना, बाकी सब याद करना है। अच्छा ऐसे, ओके सर ठीक है। और या फिर ऐसे गलत जितने आपको निमोनिक्स बना के दिए होंगे हर ग्रुप के हर पीरियड के, वो सब याद कर लेना। इनफैक्ट जो दो ऑर्बिट होते हैं ना नीचे एफ ब्लॉक वाले, जो दो लोग लेंथेनाइड्स वाले वगैरह, नहीं उनको भी नहीं छोड़ना है, उनको भी याद करना है। तो सबसे लास्ट पीरियडिक टेबल वाला सबसे लास्ट वाली लाइन जो रदर फोर डीएम और प्लैनेट इंगाना नए नए भी एलिमेंट मिले उनको छोड़ना है, बाकी किसी को नहीं छोड़ना है ठीक है, सब याद करना है उसमें पे टेबल में। और एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं वो कैलकुलेशन हम लोग पीरियडिक टेबल चैप्टर में सीखेंगे। हाँ जी, ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज ही करना है या फिर एटॉमिक नंबर के साथ करना है? ग्रुप वाइज दोनों तरह से, आप गूगल पे सर्च मारो जितने तरीके से आपको मिल जाए, वो दो तरीके होते हैं, ग्रुप वाइज भी है एक पीरियड वाइज भी है, तो दोनों टाइप से याद रखना है। जब आप ग्रुप वाइज याद करोगे तो फर्स्ट और सेकंड, इसके बाद 13 14 15 16 17 18 ये आपको ग्रुप वाइज याद करने हैं। और जो डी ब्लॉक है बीच में ऐसे 10 एलिमेंट होंगे, ये आपके एस वाले हैं दो, और ये आपके डी वाले हैं, फिर ये पी वाले इधर छह हैं, तो ये वाले तो आपको ग्रुप वाइज याद करना है ऐसे वर्टिकली ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक वाले आपको ऐसे भी याद करने हैं और ऐसे भी याद करने हैं, क्योंकि तीन तीन चार चार एलिमेंट का पेयर है और आपको दोनों तरीके से याद करने पड़ेंगे इस वाले को। सर उसी टाइप से ना सर, वो जो हलीना फलीना होता है ऐसे? हलीना फलीना जैसे। चलिए अब आई थिंक एक बच्चे कौन से था, क्या उठे एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर 60, 73 और 93। अब बताइए एक्सरसाइज वन में किसी का आई थिंक कोई डाउट नहीं रह गया, अब बेटा 51 तो मेरे पास डाउट में नहीं आया। टू चेक करिए सर, दो दो बच्चे डाले सर, मैंने डाला एक क्वेश्चन डाला रौनक ने। सर 51 51 क्वेश्चन क्या देखते हैं दो, है द वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद विरार एफ लोकल ट्रेन हैविंग मास ऑफ दिस मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 23.76 किलोमीटर पर आवर प्लैंक कांस्टेंट इज दिस। बेटा इसमें क्या पूछना है? सर पावर -39 आ रही है मेरी, यहाँ पे -29 पे सही किया है। अच्छा अच्छा, मतलब आंसर आपका गड़बड़ा रहा है। और सर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल लगाते हैं सर उसमें, तो फिर सर लैम्डा डिफरेंशिएशन से सर वो मतलब उसमें लैम्डा भी लैम्डा की जगह क्या पुट करना है सर वो समझ नहीं आ रहा। हाइजेनबर्ग क्यों लगा रहे हैं सर, उससे निकल आएगा ना सर इसमें मास स्पीड की बने तो? बेटा उसने तो आपसे वेवलेंथ पूछी हुई है ना, तो लैम्डा इक्वल टू डी ब्रोगली वाला लगाओगे ना, एच डिवाइडेड बाय पी।
यस सर, जो रिलेशन है डेल पोजीशन और उसमें लैम्डा। नहीं नहीं, आप सिंपल, आपसे पूछा हुआ है लैम्डा क्या आएगा, कोई चीज इतने स्पीड से भाग रही है तो आपसे सिंपल लैम्डा की वैल्यू पूछा है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ ना, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी के बराबर, आपको आंसर मिल जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? लैम्डा इक्वल टू एच बाई वी पी, डी ब्रोगली के लिए पूछा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.6 × 10⁻¹¹ डिवाइडेड बाई आपका मास कितना है, 100 × 10³ किलोग्राम है, तो ये एसआई यूनिट में बिल्कुल ठीक है। फिर आपकी स्पीड दे रखी है 23.76 किलोमीटर पर आवर, इसको पहले एसआई यूनिट में चेंज करो, तो 23.76 किलोमीटर को लिखोगे मीटर में, यानी 1000 डिवाइडेड बाई 3600, वही 5/18 वाला कॉन्सेप्ट, 5/18। अब सॉल्व करो, 23.76 × 5/18 10⁻¹⁹ आएगा, और एक मीटर में कितना, सॉरी 1 angstrom में कितना होता है, 10⁻¹⁹ होता है, तो इसका angstrom में चेंज करोगे तो 10⁻²⁹ आएगा, सॉरी angstrom आएगा, सही दे रखा है बेटा। हाँ जी बेटा, रेडियल नोड ये सब कराऊंगा मैं, लेकिन ये श्रोडिंगर के साथ कराऊंगा, जब वो आपका इक्वेशन डेरिवेशन कराऊंगा ना तब बताऊंगा। चलिए ये नोट कर लिया सबने, समझ में आ गया। 50 और एक्सरसाइज 1 में कोई क्वेश्चन बाकी है किसी का? सर जो श्रोडिंगर सर बताओगे, सर वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है या दूसरा चैप्टर कोई? इसी चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन बाद में बताऊंगा, रिलेटेड तो इसी चैप्टर से है। चलिए उसके बाद आते हैं मेंस वाले पोर्शन पे। हाँ जी, 55 और 60 वन लाइन क्वेश्चन है। 55 and Earth's delta x position along x axis, the Earth's momentum is measured along, बेटा जिसके along आप position देखते हो उसी के along momentum भी देखते हैं। Okay sir, 65। The quantum number obtained from the Schrodinger equation is, बेटा तीनों करते हैं, n l m तीनों ही आता है। Sorry, तो फिर ऑप्टेंड की जगह नॉट ऑप्टेंड कर लो। ओके सर। चलिए मेंस वाले पोर्शन में आते हैं। मेंस वाले में वाला क्या हो गया बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 59 यस सर, आ गया 59। What photons of energy 4.25 electron will strike with the surface of metal A ejected photoelectron? नहीं सर, ये नहीं सर, 69। अच्छा 69। The total number of electrons in any orbit? अच्छा ये कैसे formula कैसे लिखा हुआ है? बेटा समेशन यूज आपको अभी मैथ में सिखाया गया कैसे सॉल्व करते हैं समेशन वाले पोर्शन को? नो सर, नहीं सिखाया गया, तो भी थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आता है समेशन वाले को ओपन कैसे करते हैं। आप ऐसे कर लो, आप इसमें कोई भी n की वैल्यू सपोज कर लो, ठीक है, मान लो n की वैल्यू 2 के,
चलो लगता है बेटा आप लोग के भी ग्रुप में पासवर्ड वाला व्यवस्था करना पड़ेगा, सबसे बात करनी पड़ेगी, सब बात जरूरी हो गया लग रहा है। चलिए ठीक है, देखेंगे प्रेम सर राजू सर देखेंगे, ठीक है। नाम बहुत अच्छा रख गया है। चलिए आप एक काम कीजिए, इसमें L की वैल्यू कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। देखो समेशन को ओपन करने का तरीका क्या होता है, मान लो अगर आपको लिखा हुआ है I L इक्वल टू वन से लेकर के L इक्वल टू, मैं पहला वाला ए ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, टू इंटू टू एल प्लस वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप किसका माइक, बेटा माइक म्यूट कर लो ना, राम सिंह कौन है बेटा, माइक क्यों नहीं अनम्यूट करते, क्लास में हमारी जी बेटा हमारी क्लास में सर, पैनी कौन है अभी, राम सिंह कौन आ गया, चलो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। चलिए देखो आप L की वैल्यू 1 पुट करो पहले, यानी 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस, समेशन का मतलब बेटा प्लस का होता है, आप L इक्वल टू 1 पुट किए तो 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस, फिर L की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, यानी 2 इंटू प्लस 1 प्लस, ये समेशन का पॉइंट बेटा, ये समेशन का साइन होता है, सिग्मा कहते हैं इसे, ये हर पॉइंट पे एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, से लेकर के n तक। L इक्वल टू 1 आप पुट करोगे तो एक वैल्यू बनेगी, वो वैल्यू फिर समेशन लगा इसका मतलब पॉजिटिव साइन, प्लस करना है, फिर L की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 से पुट करोगे, जो वैल्यू आएगी वो इसमें ऐड करना है, फिर L की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो 2 into 3 प्लस 1, इस टाइप से चलती है चीजें, ठीक है। तो मान लो आपको n इक्वल टू 2 तक निकालना है, ठीक है, आप कोई भी मान लो n इक्वल टू 2 तक, तो n आपका यहाँ पे क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, n इक्वल टू 2 तक करना है, तो एक चीज ध्यान रखना है, L की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट, हेलो सर, सर अजी बेटा, सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सर प्रेम सर से बोल दीजिए कि अब वो क्लास लॉक करवा दीजिए, तो सर वो कोई बच्चा घुस नहीं पाएगा क्लास में, टाइम वेस्ट हो रहा है।
गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रेम। आवाज आ रही है भाई मेरी आप लोगों को? यस सर, योर ऑडिबल। मैं ऑडिबल हूँ, ओके गुड। तो जैसा कि अभी मैं अभी 10 मिनट आपकी क्लास में नहीं था। गुड इवनिंग बिल्कुल प्राची एवरीवन सभी को। तो अभी पता लगा कि जैसे क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस जा रहा है, और मेरे ख्याल से कुछ बाहरी तत्व, बाहरी स्टूडेंट, बाहरी कुछ महात्मा, नालायक लोग कह सकते हैं उनके बारे में, वो कुछ ऐड हो गए और उन्होंने क्लास में डिस्टरबेंस काफी क्रिएट किया। पिछले 10-5 मिनट से खराब हो रहा था। अच्छा, मैं एक बात देखो बेटा, आप लोगों से सभी से शेयर करना चाहूंगा, ये बात ध्यान रखिए कि कोई भी अगर बाहरी स्टूडेंट इस क्लास में ज्वाइन हो रहा है तो सीधा सीधा मीनिंग ये है कि वो इस क्लास का ही कोई ना कोई स्टूडेंट है, या तो वो किसी दूसरे मोबाइल से खुद कर रहा है या फिर वो किसी स्टूडेंट से करवा रहा है, या फिर अपने फ्रेंड से करवा रहा है, या फिर अपने साथ के किसी रिलेटिव से करवा रहा है, या वो खुद भी किसी अलग मोबाइल से अलग डिवाइस के साथ में कर रहा है। आप लोग इतना तो समझ सकते हैं क्योंकि ये लिंक सिर्फ ग्रुप में जा रहा है और ग्रुप में स्टूडेंट हैं। अभी आज तो आप लोग बच गए, जो भी स्टूडेंट ऐसा कर रहे वो इसलिए बच गए क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था। हम लोग 12th में ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है पेस स्टूडेंट का, मेरा कहीं ना कहीं फोकस 4-7 उन स्टूडेंट के ऊपर था। लेकिन अगली बार मैं सभी को वार्न करना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह की हरकत हुई तो आप लोग पकड़े, कोई भी होगा वो पकड़ा जाएगा, वो छुपे नहीं सकता है। 12th में भी इस तरह किसी ने हरकत करने की कोशिश करी, वो पकड़ा गया, बाद में उसने बहुत सॉरी करी, और ये बहुत बड़ा क्राइम है। आप समझ लीजिएगा, मैं इस क्राइम को, हमें वो स्टूडेंट हम जेके क्लासेस से तो बाहर निकालेंगे, हम टॉलरेट नहीं करेंगे, उसे इंस्टीट्यूट से बाहर निकालेंगे। साथ ही साथ साइबर क्राइम की श्रेणी में भी आता है, ये कैटेगरी बिलोंग करता है साइबर क्राइम की, क्योंकि आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जहाँ पे बहुत अच्छी स्टडी हो रही है, जहाँ पढ़ाई चल रही है, वहां पे अगर किसी तरह की हरकत करते हैं, ये सारी कुछ इंटरनेट साइबर क्राइम में हरकतों में आती है। तो आप लोग जो कर रहे हो ना, और मैं एक बात बता दूं, इस ग्रुप में जितने भी व्हाट्सएप नंबर ऐड है उन नंबरों को अगर शेयर लिंक हो रहा है तो ये परमिशन आपको शायद नहीं पता, आपको जूम के बारे में बहुत चीजें नहीं पता है, लेकिन हमने जो जूम का आप कह सकते हैं पैकेज दे रखा है वो बिजनेस क्लास का है, और उस क्लास में हम लोग पता कर सकते हैं कि किस डिवाइस से, किस नंबर से हमारी जूम मीटिंग लिंक को किसी दूसरे डिवाइस में किया जाता है। और आपने सभी नोटिस भी किया होगा कि अगर कोई स्टूडेंट किसी और डिवाइस से जुड़ता है तो मैं तुरंत उससे पूछ लेता हूँ कि आप कौन हो, किस मोबाइल से जुड़ रहे हो, स्टार्टिंग में आपने नोटिस किया होगा। तो आप ये कोशिश ना करें इस तरह की करने के लिए। और मैं आप लोगों से भी, मैं कल से खुद दोबारा उसको सर्च करूं, अगर किसी भी स्टूडेंट को मैं एज ए वॉलंटियर जे इनवाइट करना चाहूंगा कि अगर उसको समझ में आता है और पता लगता है कि आज जो दिक्कत हुई है क्लास में वो किस स्टूडेंट ने की है, और अगर वो बता सके तो वेलकम। अब मैं उसके लिए कुछ पाबंदी आप लोगों के लिए लगा रहा हूं, और आने वाले कल से नहीं, परसों से, इट मीन्स कल तो फ्राइडे आपका क्लास नहीं होता है, ऑफ रहता है, सैटरडे से एप्लीकेबल होगी। जेके सर ने भी आपसे ये कहा था, और मैं आपको अब क्लियर कर दे रहा हूँ ये सभी स्टूडेंट को, उस विदाउट आपके डीपी मतलब आपकी जो डेस्कटॉप पिक्चर है, इट मीन जो प्रोफाइल पिक्चर है, जो आपका कहीं ए लिखा आ रहा है, कहीं ए सी लिखा आ रहा है, कहीं ए लिखा आ रहा है, अगर ऐसा हुआ मैं किसी को भी क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। वो कोई भी स्टूडेंट हो, कितना भी मुझे एक्सक्यूज कर ले, जब तक उसके, जैसे मैं नाम बता दे रहा हूँ किन किन के नाम के लिए आगे प्रोफाइल पिक्चर नहीं आया, अभिषेक वर्मा के नाम से नहीं आ रहा, अंशुल चौधरी के नाम से नहीं आ रहा, आर्यन सिंह का नहीं आ रहा है, भानु प्रताप अपना फोटो लगाओ, पापा वगैरह का फोटो मत लगाओ, गरिमा चौधरी के नाम के आगे नहीं आ रहा है, खुशी खंडेलवाल के नाम के आगे नहीं आ रहा है, लक्ष्य राजपूत के नहीं आ रहा है, मैंग गुप्ता का नहीं आ रहा है, मोहनीश का नहीं आ रहा है, प्राची वशिष्ठ का नहीं आ रहा है, प्रथम दुबे का नहीं आ रहा है, शीतल शर्मा का नहीं आ रहा है, श्रेया ठाकुर का नहीं आ रहा है, सूर्यदेव तिवारी का नहीं आ रहा है, वैभव चौधरी का, वैभव शर्मा का, आर्यमन भटनागर, इन लोगों का अभी तक प्रोफाइल पिक्चर नहीं आया है। मैं आपको आज के लिए छोड़ रहा हूँ, सिर्फ कल फ्राइडे है, आप लोगों की क्लास नहीं है, आपको कैसे प्रोफाइल पिक्चर लाना है अपने कॉन्टेक्ट में किसी ना किसी स्टूडेंट से बात कर लीजिए। समझ लीजिए, विदाउट प्रोफाइल पिक्चर अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको वेटिंग रूम में ही
रहना होगा, मैं आपको एंट्री नहीं दूंगा। काफी स्टूडेंट ने इस बात को समझ के अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाया, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो लोग इस बात को समझ पाए हैं। और बिना डीपी के, बिना प्रोफाइल पिक्चर के अगर आप ज्वाइन किए जाओगे तो माना जाएगा कि आप उसी श्रेणी में आते हो जो आज की श्रेणी में बच्चे आए थे जिन्होंने इस तरह की हरकत की है। ओके, ये बात आप समझ लीजिए बहुत ही क्लियर। और किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना हो? सर यस, हेलो सर, सर इज इट पॉसिबल कि हम लोग सर पासवर्ड रखना शुरू कर दें सर, क्योंकि सर क्लास का टाइम खराब होता है सर, आज सर 15 से 20 मिनट खराब होगा सर फालतू बकवास में। पासवर्ड तो बेटा मैं कर दूंगा, लेकिन जो अपना लिंक शेयर कर रहा है वो पासवर्ड भी शेयर कर दे। तो समझ रहे हो बात को? यस सर, ये तो समझ रहा हूँ। ये तो वो तो पासवर्ड भी शेयर कर देगा, ये तो कहीं ना कहीं आप ये तो समझ रहे हो ना कि स्टूडेंट में से कोई ना कोई है। सिंपल है, क्योंकि ग्रुप में कोई ऑब्वियसली बात है, ग्रुप में कोई बाहर का स्टूडेंट है नहीं, तो ये भी हो रहा है वो ग्रुप के किसी स्टूडेंट की वजह से हो रहा है। लेकिन जब टॉलरेट नहीं किया जाएगा, मैं सख्त वार्न कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट को जिन्होंने भी ऐसा कदम या ऐसा काम किया है, मैं फाइनली आपको वार्न कर रहा हूँ, अदरवाइज आगे के लिए जो भी होगा आप जिम्मेदार होंगे उस पर। ठीक है डीपी सर, आप ले लीजिए। ओके ठीक है सर, ओके। चलिए L इक्वल टू जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमें पता है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होता है तो किससे स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट, सॉरी एजुमोथल क्वांटम नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। और L की वैल्यू कहाँ तक जाती है? n माइनस वन तक जाती है। ठीक है, तो एक आप सिंपल इस मेथड से देख सकते हो कि जीरो से लेकर के n माइनस वन किसने अप्रोच दे रखा है कि इस ऑप्शन में, वो आपका सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पोर्शन थोड़ा आप मैथ में पढ़ लेना, समेशन जब सीख लोगे उस टाइम पे समझना थोड़ा सा अच्छा आसानी रहेगी। ठीक है, उस टाइम इसको हम डिस्कस कर लेंगे, या फिर उस टाइम तक मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद आ जाएगा ये। ठीक, समेशन का यूज कैसे करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज वन में सारे कंप्लीट हो गए, अब हम आते हैं मेन सिक्योर्ड वाले में। ठीक है, मेन सिक्योर्ड वाले में अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बेटा जो मुझे डाउट में आए हैं। चलिए, मेन सर्किट से एक आया क्वेश्चन नंबर 1, 3, 21 एंड 37। क्वेश्चन नंबर 1, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज 19.6 × 10⁻¹⁸ जूल पर एटम, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2 इज। बेटा इसमें क्या दिक्कत रही है? आपको कंपैरिजन करना है कि किस ऑर्बिटल में किसमें है। चलो मैं बताता हूँ, ये यहाँ से आपको निकालना क्या है समझिएगा। आपके लिए हीलियम प्लस के लिए एन गिवेन है और जेड गिवेन है। ठीक है, देखिए, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? n इक्वल टू 1 से कहाँ जंप करेगा? n इक्वल टू इनफाइनाइट, यही होता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? अब यहाँ प्लस 13.6 नहीं लेना है, यहाँ पे आपको कोई एक जनरल फॉर्म की एनर्जी लेनी है, मान लिया ईवन है, इंटू जेड स्क्वायर दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, जैसे इस वाले ऑर्बिट में क्या होता था कि हाइड बोर मॉडल में इसका हमें पता होता था -13.6 है, इसी को हमने इवन नाम दिया था। इसकी वैल्यू क्या थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पर्टिकुलर केस के लिए आपको गिवन है, ये इस पर्टिकुलर केस के लिए गिवन है, स्पेसिफिक किया है कि आपको इवन की वैल्यू नहीं गिवन की है, इसका मतलब आप इवन कैलकुलेट करो। आपको एन की वैल्यू, जेड की वैल्यू गिवन है और एन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, कि 1 से हमने कहाँ भेजा है? इनफाइनाइट में भेजा है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आती थी? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आती थी। तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर आपको गिवन है? 19.6 × 10⁻¹⁸ जूल, 19.6 × 10⁻¹⁸ जूल के बराबर। इसको सॉल्व करो तो इवन की वैल्यू कितनी आएगी? 4 4 16, 4 9 36, यानी 4.9 × 10⁻¹⁸
18 जूल, यानी आपके एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है, 4.9 × 10⁻¹⁸ है। तो जो हम हाइड्रोजन में बेटा हर जगह 13.6 लेके चल रहे थे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, अब हम क्या लेके चलेंगे, 4.9 × 10⁻¹⁸ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब इसके रेफरेंस से आपका फॉर्मूला बदल गया, इसके रेफरेंस से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब किसी को लग रहा हो कि सर हमें पता कैसे चलेगा, तो बेटा पता ऐसे ही चलता है कि आपको जो वैल्यू गिवन होती है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो आपको हीलियम प्लस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी जूल में गिवन की है, ठीक है। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी जूल में गिवन की है, इसका मतलब एन और जेड आपको दे रखा है, आपसे वो इवन निकलवाना चाह रहा है। तो ये बेटा ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस पता करोगे उतने ही आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं थर्ड वाले पे, बेटा इसमें क्या डाउट है? क्या बेटा एनर्जी का रेशियो और हीलियम रेशियो के हिसाब से सर जो कांस्टेंट है वो तो चले जाएंगे, बचेंगे एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अच्छा आप ये कह रहे हो कि 13.6 के साथ कंपेयर करके तब लिखूं? रेशियो ले लेंगे तो कांस्टेंट कट ही जाएगा। हाँ तब भी हो जाएगा, तब अभी आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा तब भी, इवन की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन आपसे रेशियो थोड़ी पूछा है। हाँ ठीक है ठीक है, रेशियो वाले मेथड से हो जाएगा। चलिए उसके बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर NLMS रिप्रेजेंट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन गैसियस एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम गैसेस का मतलब क्या हुआ, एल्युमिनियम का आइसोलेटेड फॉर्म है, किसका आप एटॉमिक नंबर लिखो क्या आता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या आता है, 13, ठीक है। कॉन्फिगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। हाँ जी, गैसियस एल्युमिनियम सर Al के फॉर्म में कैसे होगा? अरे कहने का मतलब ये होता है, गैसियस एल्युमिनियम देने का मतलब ये है कि एल्युमिनियम अकेला ही है, अच्छा सर, ठीक है। जब सॉलिड की बात करते हैं ना बेटा, जब एल्युमिनियम सॉलिड के फॉर्म में होता है तो एल्युमिनियम ऐसा नहीं होता है, एल्युमिनियम ऐसा होता है सॉलिड के फॉर्म में, इसे कर्नल कहते हैं और इसको इन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तभी आपका एल्युमिनियम कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, वो बाद में समझेंगे सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में, कर्नल इलेक्ट्रॉन सी फ्लो मॉडल क्या होता है सब वहां देखेंगे, ठीक। तो गैसियस एल्युमिनियम देने का मतलब एल्युमिनियम अकेला है, गैसियस एल्युमिनियम Al2 के फॉर्म में होगा, मतलब यहाँ पर Al2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं Al2 नहीं, सिर्फ Al बेटा, Al2 कहाँ बनता है? अच्छा हाँ यस सर सही, ठीक है। अब 13 आपने लिख लिया, अब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उसने आपसे NLM पूछा है, ये रहा। तो आपके लिए N की वैल्यू क्या होगी, 3, L की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, और स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ भी हो सकती है और माइनस हाफ भी हो सकती है। तो पहले N और L चेक करो किसमें 3 और 1 लिखा हुआ है, एक में ही लिख रहा है, डी ऑप्शन में। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो एनर्जी ऑफ लैम्डा 2000 टू द जेड ऑफ 4, ये बेटा किसने पूछ लिया, एफसी बाय लैम्डा एचसी बाय लैम्डा उल्टा करके आपको रेशियो निकालना है। बेटा आप पूछना क्या चाह रहे हो, एक बार आप पूछ लो अपना डाउट पूछो, एकता आपके आपका टेक्स्ट तो मैंने 3-4 पढ़ लिया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप पूछ क्या रहे हो, अच्छा अपन म्यूट नहीं कर सकते हो, चलो मैं आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको टाइम दे दूंगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया,
21 और 37. The total spin and magnetic moment of oxygen atom. बेटा अब तो ये निकल जाएगा, आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हो गए, ठीक है, आपके पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टू हो गए ना. तो टोटल स्पिन अगर आप कैलकुलेट करोगे, चलो मैं इसको समझाता हूँ. ऑक्सीजन एटम के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2p4. ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 होता है. p में 4 इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल किया, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्पिन या तो क्या होगी प्लस हाफ और प्लस हाफ, दोनों को जोड़ लो तो या तो प्लस 1 के बराबर कह लो या फिर माइनस 1 के बराबर कह लो, डिपेंड करता है आपने क्या फिलिंग की है, या तो प्लस 1 पॉसिबल है या तो माइनस 1, ठीक. और मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करें तो रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2 के बराबर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो गया रूट ऑफ 8, 3 से थोड़ा कम, चेक कर लो क्या आंसर है, रूट 8, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 के बाद फिर 37. The missing fission product of the compound is 36, 146, 149. बेटा ये जो 37th वाला क्वेश्चन है ना, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आपके टोटल नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर रहेगा उनका सम हमेशा कांस्टेंट आता है, ठीक है. प्लस न्यूट्रॉन की पावर में 1, ये 0 है, ये लैंथेनाइड 146 है, और यहाँ पे कितना है 57 है, प्लस यहाँ पे ब्लैंक है, प्लस 30 न्यूट्रॉन की पावर में 1 है, तो टोटल ऊपर वाले कितने हो गए 236. इसमें टोटल ऊपर वाले कितने पता नहीं, 146, साथ में मान लो कोई एलिमेंट रहा होगा, मान लो m एलिमेंट है, उस पर x था सर पे, तो प्लस x प्लस ये 3 न्यूट्रॉन है, यानी 3, इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए. इसको सॉल्व कर लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. ये m की पावर x का मतलब पॉजिटिव नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये मास की वैल्यू है. ठीक है, और या फिर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन कंजर्व करा दो, 92, तो इसके साथ 0 है, तो टोटल इधर कितने हैं, 92 प्रोटॉन है, इधर जाने के बाद क्या होगा, 57 प्रोटॉन यहाँ है, यहाँ पे 0 है, तो बचे हुए प्रोटॉन इसके साथ होंगे, तो 35 प्रोटॉन यहाँ होंगे, तो खोज लो कौन सा आंसर है. हाँ जी बेटा बोलो. बेटा आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही. चलो बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप टेक्स्ट कर दो ज्यादा से, बीच बीच में कट जा रही है, मैं आपको बहुत तेज से देख रहा हूँ आपकी आवाज. नेगेटिव पिक. हाँ जी सर, अगर सेकंड क्वेश्चन में गैसियस ऑक्सीजन एटम बोला होता तो उसमें क्या करते सर? मैं ये कह रहा था कि जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है सर, वो हमारे सबसेल पे डिपेंड करता है या मतलब एल की पावर पे, एल पे डिपेंड करता है? L पे एंगुलर क्वांटम नंबर है ना, तो एंगुलर का मतलब L की वैल्यू होगी रूट L इंटू L प्लस 1 के बराबर होता है. सर आज वो अगर एल्युमिनियम की जगह ऑक्सीजन गैस होता तो वो O2 कंसीडर करते हैं. सर हाँ, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में सर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे वर्क करता है बता दीजिए जरा. इसमें हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में yes, sir. उसके लिए तो मैंने आपको बता रखा था NH/2πmvr की वैल्यू के साथ में, फिर आप L इंटू एल प्लस 1 थोड़ी लगाओ, फिर आप L इंटू एल प्लस 1 बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉन थ्योरी के लिए लगता है.
सो एच एटम के लिए समझा दीजिए, मुझे क्लियर नहीं है सर। किसका, कौन सी वैल्यू, वो बोर वाली? एच एटम के लिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ना? यस सर। बेटा वो तो बोर में मैंने पढ़ाया था कि आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसकी वैल्यू mvr के बराबर होती है। उसके बाद फिर मैंने कैलकुलेशन भी कंप्लीट लिखवाया था कि किसके बराबर वैल्यू आती है। फिर मैंने उसकी nh / 2 पाई। हां वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वही होता है। अच्छा यहां पे भी सर लगा सकते हो? ओके सर, क्लियर सर। हाँ जी, आपने बताया कि जो l पे डिपेंड करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, पर सर जो एक टाइप का सबशेल है डी सबशेल है, तो सर 4d और 3d सर दोनों में मतलब उसका n अलग है। तो सर n अलग है तो मतलब सर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सर l की वैल्यू भी अलग आएगी सर? नहीं, l की वैल्यू तो सेम रहेगी। अब d आपने फिक्स कर दिया ना 3d और 4d? ओके सर, ओके ठीक है, समझ गया समझ गया। वो एल की वैल्यू 2 आएगी सर। ओके सर, दोनों के सर 2 है। ओके सर। सर हाँ जी सर, 9th वाला क्वेश्चन और बता दो सर। मेट्रो के पहले मैं जो भेजा है उसका मैं पहले डाउट देख लूं। ओके सर, 232 और 38 9th वाले में, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज हाइड्रोजन इज 15200 सेंटीमीटर इनवर्स, द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन इज। बेटा इसमें क्या पूछना है आपको, आरएस की वैल्यू पुट कर दो ना सेंटीमीटर इनवर्स में। आपको लिखवा रखा है ना ये वैल्यू, ये 9th जिसका डाउट था सर। इसका यूज कैसे करेंगे फिर 15200 का? वेव नंबर का मतलब 1/λ आपको गिवन है ना, आपको z की, अच्छा एक मिनट रुको, 1/λ इक्वल टू आर बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज 15200। ठीक है, आपको n2 की वैल्यू निकालने में करेंगे यूज। बामर सीरीज के लिए कहा है, इसका मतलब n1 फिक्स हो गया ना, n2 आपको थोड़ी पता है। जैसे बामर सीरीज के लिए अगर आपसे कहा हुआ है वेव नंबर आपको गिवन है, तो फर्स्ट लाइन बोल दिया सर उसने, r into z square upon upon 1। क्या बेटा, फर्स्ट लाइन दे रखी है सर उसने, तो n2 हो जाएगा ना 3। हां ये भी सही बात है, द फर्स्ट लाइन ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन इज। सर पता नहीं किस लिए दे रखी है फिर तो। हाँ जी सर, मैंने ये वाला क्वेश्चन सर मान लिया सर, जो लिथियम की जो वो है वो भी फर्स्ट लाइन के लिए लिथियम प्लस 2 का, मतलब सॉरी बारमर सीरीज के लिए भी मान लिया सर। जैसे मैं हाइड्रोजन के लिए दिया है बारमर फर्स्ट लाइन, तो मैं लिथियम के लिए भी बारमर फर्स्ट लाइन मान लिया, तो सर मेरा आंसर सही आ गया था। ठीक है, तो ये तो अगर कुछ भी नहीं देता तब भी आपका आंसर हो जाता है, तो जो फर्स्ट लाइन आपको 9th में क्वेश्चन लिख के दिया, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज हाइड्रोजन इज 15200, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन इज। ये सिंपल भी पूछ लेगा तब भी आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता ही है, जेड आपको पता है फर्स्ट लाइन का हुआ है, इसका मतलब n2 की वैल्यू 3, n1 की वैल्यू 2 पुट करनी है, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार कैलकुलेट करके देखना, आरएस की वैल्यू पुट करना, जेड की वैल्यू 3 पुट करना, 1/n1 की वैल्यू आपकी 2 और n2 की वैल्यू 3, सॉल्व कर देना सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपसे आरएस की वैल्यू कैलकुलेट। हाँ जी, तो यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू वराई करेगी ना? हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि ये पहली लाइन आपको जो दे रखी है ना वो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए दे रखी है। ये सब फर्स्ट लाइन का सेंस ये बनता है कि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू वराई करेगी, तो उसकी वैल्यू आप निकालो 15200 सेंटीमीटर, आर रखोगे z की वैल्यू 1/n1² इसका मतलब 4 माइनस 1/n2² 9। आप यहाँ से r की वैल्यू निकालो, अब इस r की वैल्यू को सेकंड में यूज करो। हाँ जी सर, हम li का सर he के टाइम्स में निकालेंगे ना सर, कि इतने टाइम से सर उसका सर 15200 में मल्टीप्लाई कर देंगे? हाँ जो भी कर लेना वो तो निकाल लेना, आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है सिंपल पहले इक्वेशन से।
ठीक है, तो ये नाइन्थ हो गया, सेकंड मैंने बता ही दिया, देन 32 एंड 38। अजी बेटा 32 किसका डाउट है बेटा बोलो। सर मेरा है। हाँ जी बताओ। हाँ बोलो बेटा। सर ये सॉल्व हुआ नहीं मुझसे। क्या सोचा आपने ये तो बताओ। सर पहले तो मैंने सर मतलब मैंने पहले ये सी वाले का एनर्जी निकालने की कोशिश की, फिर मैंने ए की एनर्जी ऐसे निकालने की कोशिश की थी, और फिर सर मैंने सर एक बार कॉपी में सर यहाँ पे मैंने ये दोनों का जो डिफरेंस था फ्रीक्वेंसी का ये लैम्डा का उसको मैंने यूज कर लिया था तो निकला नहीं आंसर। चलो का क्या कहा आपसे, थ्री एटॉमिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम आर शोन इन फिगर, द ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू बी यील्ड्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 364.6 नैनोमीटर एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम बी टू ए यील्ड्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 121.5 नैनोमीटर, द ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू ए विल यील्ड अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। चलो आपका फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ आपने 1 बाय लैम्डा का, R into Z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. आपको क्या दे रखा है, एटॉमिक आपको वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है, यानी 1 upon lambda 1 अगर मैं कंसीडर करता हूँ, R हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन नहीं दे रखा है ना, ठीक है नहीं दे रखा, Z square मान लो होगा हाइड्रोजन लाइक कोई एटम, ठीक, 1 upon N1 square माइनस 1 upon N2 square, जंप करके कहाँ पे जा रहा है, बी वाले में जा रहा है, माइनस 1 upon C square जहां से जंप करके आ रहा है, ठीक है, यही तो होता है, N1 की वैल्यू जहां पे आया है, N2 की वैल्यू जहां से आया है, तो ये आपका लैम्डा 1 हो गया, 1 upon λ2 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी क्या आएगा, RZ square 1 upon B square माइनस 1 upon A square, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ये आपका सेकंड इक्वेशन, तीसरे आपसे क्या पूछा है, 1 by λ3 की वैल्यू पूछी है, अगेन R into Z square 1 upon C square, हाँ जी बेटा, तो सेकंड इक्वेशन में सर ए आएगा ना सर, N1 E से A में जा रहा है, ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कर दिया, उसके बाद आपसे क्या पूछा है कि जो लास्ट वाला जंप है सी टू ए में, तो इसकी आपसे वेवलेंथ पूछिए फोटोन की, अजी बेटा सर इस वाले क्वेश्चन को ऐसे भी तो अप्रोच कर सकते हैं कि बी से ए में आने में एनर्जी जो लग रही है एनर्जी वर्स, अब आगे बताओ एनर्जी बी माइनस एनर्जी ए की वैल्यू निकल जाएगी, फिर एनर्जी सी माइनस एनर्जी बी की वैल्यू निकल जाएगी, तो इक्वेशन और ऐसी सर ई सी माइनस ई ए निकाल लेंगे तो सर एलिमिनेशन मेथड से फिर पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, तो उससे सर हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आपने क्या किया ए सी माइनस ई बी किया है, अजय सर एनर्जी सी टू ए की एनर्जी जो है सर सी टू बी प्लस बी टू ए होगी क्या, हाँ बिल्कुल होगी, तो सर HC upon λ इक्वल टू HC upon λ1 प्लस HC upon λ2 से नहीं हो जाएगा, सर HC कट जाएगा 1 upon λ इक्वल टू 1 upon λ1 प्लस 1 upon λ2, आपको HC की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बस, सर सर कट जाएगा ना सर HC तो कांस्टेंट हट जाएगा सब कॉमन लेके हटेगा, हाँ ऐसे कर सकते हो सर, 9 सर पहला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ठीक है, HC by λ1 प्लस HC by λ2 ये आपने सही बताया, इज इक्वल टू HC by λ3 आप कर सकते हो, आपको λ1 गिवन है, λ2 गिवन है, λ3 आपसे पूछा है, HC से HC उड़ गया, आपको 1 upon λ1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 364.6 नैनोमीटर, प्लस 1 upon λ2 कितना है 121.5 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 upon λ3, सर
जी अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सर हम ऐड कर दे तब भी ये इक्वेशन आ जाती सर। हाँ आ रही है बेटा, लेकिन ये आर और जेड वाला कैंसिल। अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहाँ से इससे भी ऐड करूँ 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2 is equal to 1 upon lambda 3। हाँ अब ठीक है अब आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बेकार सा इक्वेशन है ये वाला, एनर्जी वाला ज्यादा अच्छा है। अगर इसे आप सॉल्व करोगे यहाँ ये देख के पता चल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने से थर्ड इक्वेशन आएगी। हाँ ठीक है हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से मैं सीधा इक्वेशन मिल जाएगी कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पे थर्ड आ रही है, यानी 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2 जोड़ने पे 1 upon lambda 3 के बराबर आ रहा है। इससे अगर करोगे तो यानी 1 upon 364.6 plus 1 upon 121.5 is equal to 1 upon lambda 3। तो ये जो आपने एनर्जी लिखी है वो सीधा उस फॉर्म में भी आ जाएगा। ठीक है एक चीज ध्यान रखना, लैम्डा थ्री की जो भी वैल्यू आएगी नैनोमीटर में आएगी, क्योंकि ये भी नैनोमीटर में है और ये भी नैनोमीटर में है। ठीक है चलिए 32 हो गया, उसके बाद आई थिंक फिर क्या 38। हाँ जी बेटा बताओ 38। अच्छा ये तो नोड 3p ऑर्बिटल में 1 spherical 1 non-spherical, चलिए ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको। ठीक है 38 वाला पार्ट मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। चलिए एक्सरसाइज 2 में किसी और को कुछ डाउट है गेट इक्विप्ड विद जेईई मेन वाले में? सर मैंने सर बैच 2 में सर डाले थे सर, बहुत सारे क्वेश्चन सर आपने देखे ही नहीं है। अच्छा ये मैंने बैच 1 ही की ओर खोला है, सॉरी। चलिए आप एक काम करो बता दो, आप ऐसे ही बोल दो। सर मैं लिख देता हूं सर। हां बैच 2 आप बताओ क्या आपका डाउट क्या क्या है, क्वेश्चन आप ऐसे बोलो। ये दो ग्रुप रहता है, मैं होमवर्क भी देना भूल जाता हूँ, एक ग्रुप में जाता है दूसरा ग्रुप रह जाता है। अच्छा एक मिनट रुको देखने जी मेन साला सर मेरा है सर गेट इक्विप्ड से। अच्छा कौन सा है बेटा? सर 11 और 15 वाला क्वेश्चन नंबर 11 और 15 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 15 11 में the electronic configuration of the element which is just above the element of atomic number 43। बेटा just above पूछा है, तो 43 से just ऊपर आप periodic table लगे होते तो आप देख लेते हैं कि 43 से just ऊपर 25 वाला आता है। ठीक है तो periodic table लगे होते दिख जाता है आपको, और वैसे भी अगर आप अगर ऐसे ऐड करना चाहो तो ऐसे देख सकते हो 2 8 8 18 18। ठीक है तो आपने 2 ऐड किया, 8 ऐड किया, 8 ऐड किया, टोटल कितने हो गए 18 हो गए, 18 18 36। फिर आपका यहाँ कोई 18 एटम के बाद में फिर 43 नंबर पे एक एटम आएगा, इसका मतलब जब आप ऊपर जाओगे तब 18 सब्ट्रैक्ट करते हुए जाओगे यानी कितना आएगा 25 आएगा। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा कम आएगा, पीरियडिक टेबल पढ़ने के बाद ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। वैसे ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है इसमें आप पीरियड टेबल लिखे होते तो आप देख लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी। ठीक है सही रहता। तो आपका 43 से जस्ट ऊपर एलिमेंट कौन सा आएगा एटॉमिक नंबर 25 वाला, तो आपको 25 की फिलिंग करनी है। ओके सर ठीक है। वैसे मैं वही सोचा था जस्ट आफ्टर में तो सर 44 आना चाहिए। मैं जस्ट ऊपर आपसे पूछा जस्ट ऊपर ग्रुप में जस्ट ऊपर कौन आएगा। ओके सर ठीक है चलिए इस एक्सरसाइज में कंप्लीट हो गए जेईई मेन वाली ये जो गेट 15 वाला सर 15 वाला तेरे भी रह गए सर। हाँ हाँ बेटा देख रहा हूँ आप ही का देख रहा हूँ। अच्छा आपने ये जो वैसे क्वेश्चन नंबर 9 15 20 ये जेईई मेन वाली एक्सरसाइज का है या फिर गेट इक्विप्ड टू दोनों पर गेट इक्विप्ड वाले सर गेट इक्विप्ड वाले हैं सर। अच्छा फिर ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 15 क्वेश्चन नंबर 9 ये तो 9 तो डिस्कस कर दिया क्वेश्चन नंबर 15 242 नैनोमीटर जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम एटम आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम विल बी। हाँ जी बेटा बताओ इसमें क्या डाउट है? आया ही नहीं सर क्या करना है सर? एससी वाई लैम्डा लगाना और क्या है बस। ओके सर चलो 15 के बाद 21 हो गया 25 25
ये तो आपको फॉर्मूला लिखा है ना, रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच एम। ये तो हो गया था बाद में, सी होगा। हाँ सर हो गया था। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं मिला किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है ये? आपको ये पता है ना कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई होता है? कैसे इतना पता है सर? पता है था, एन की वैल्यू क्या होती है? एन क्या होता है? शेल नंबर, या फिर कह लो कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो सबसे फर्स्ट वाला पड़ता है। आपको दे रखा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट इज 2h अपॉन पाई, यानी nh अपॉन 2 पाई की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है? h अपॉन 2 पाई के बराबर, सॉरी क्या दे रखा है? 2h अपॉन पाई के बराबर दे रखा है। पाई से पाई उड़ा दो, h से h उड़ा दो, n की वैल्यू क्या आ गई? 4। इसका मतलब ये आपका फोर्थ ऑर्बिट में है। अब आपसे क्या पूछा, द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम एमिटेड फॉल्स फ्रॉम नेक्स्ट टू द लोअर लेवल इज, यानी चार में है, तीन में जब आएगा तब आपसे पूछा है, क्या पूछा है? स्पेक्ट्रल लाइन पूछा है, वेवलेंथ पूछा है उसकी। ठीक है, आप तो कुदा दो इसको, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, यानी आर इंटू जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन, कहाँ से कहाँ कुदाना है आपको? थ्री में भेजना है, यानी 9 माइनस 1 बाई 16। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू। थैंक यू सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा, 33। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब देयर आर ओनली टू हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ एटम आर डी एक्साइटिंग, ठीक है, फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस शुड रिस्पेक्टिवली बी। अच्छा, दैट इन द डिस्चार्ज देयर आर ओनली टू हाइड्रोजन एटम, सिर्फ दो एटम है। इफ द इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ एटम्स आर डी एक्साइटिंग फ्रॉम फोर्थ, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस शुड रिस्पेक्टिवली बी। अच्छा अच्छा सर, इसमें ए ऑप्शन में फोर्थ कैसे आ रहा है मैक्सिमम लाइन, ये समझ में नहीं आई। हां बता रहा हूं बेटा, आपको मैंने एक केस बताया हुआ कि अगर सिर्फ एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता है तो जिससे जंप करता है उससे माइनस वन के बराबर वो लाइन एमिट करता है। ठीक है, अब कहाँ से इसको कुदवाना है? फोर्थ ऑर्बिट से। चलो फोर में है, चार दो ही इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ध्यान रखना, चार तीन दो एक, या तो दोनों के दोनों सीधा ऊपर से नीचे कूद जाए तो मिनिमम एक लाइन तो आएगी ही आएगी। और क्या पॉसिबिलिटी है आपसे डिफरेंट लाइन का इतना ध्यान रखना, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक आपका मैक्सिमम कितनी लाइन एमिट कर सकता है, तो तीन लाइन एमिट कर सकता है आपका एक इलेक्ट्रॉन अकेला। ठीक है, अब दूसरे वाले को कूदवाना है आपको, दूसरा वाला कहां से कहां कूद सकता है? यहां से यहां कूदेगा, यहां से यहां, एक ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन यहां से यहां और यहाँ से इस पॉइंट पे, दो ऑप्शन हो गए, तीसरा ऑप्शन यहाँ से डायरेक्टली यहाँ। इन तीनों में से किसी एक पाथ को ही फॉलो करेगा, बस ये ध्यान रखना, तीनों में से कोई एक आंसर आपको देना है। अगर आप ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था और ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जितने नंबर ऑफ पॉसिबल चांसेस थे मैंने इसको बता दिए। एक और है वो जो वन एक एक करके ऐसे ऐसे करके नीचे आएगा सेकेंड वाला भी, लेकिन आपसे कहा डिफरेंट एनर्जी की लाइन होनी चाहिए, तो इसमें बेटा इस एनर्जी की लाइन थी ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन दे चुका है, डिफरेंट एनर्जी की लाइन कौन दे सकता है तो वो ध्यान से समझना। एक आपको ये वाला दे सकता है, इसकी एनर्जी इन पहले तीन से अलग होगी, अगर ऐसे जंप किया है तो ये वाला दे सकता है, इसकी एनर्जी इस पहले तीन से डिफरेंट होगी, और ऐसे वाला अगर जंप किया तो सिर्फ ये एक लाइन है
जिसकी एनर्जी पहले तीन वाले से डिफरेंट हो, इसमें कोई भी एक जंप आपको कराना है, ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन या तो यहां से यहां कूदवा दो, तब भी कितना होगा प्लस वन डिफरेंट एनर्जी का, यहां से यहां कूदने में ये वाला ट्रांजिशन अगर आपने कराया तब भी आपको प्लस एक ही डिफरेंट एनर्जी मिलेगी, यहां से यहां जंप करवाया तब भी आपको कितनी डिफरेंट एनर्जी मिलेगी, सिर्फ एक डिफरेंट एनर्जी मिलेगी पहले वाले तीन से। ठीक है, चलिए डन, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, कुछ मैं आपको ग्रुप पे रिस्पॉन्स कर दूंगा कुछ क्वेश्चन का, और कुछ फिर कभी डिस्कशन की क्लास लगेगी तब कर लेंगे। ओके, थैंक यू।